दोस्तों एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी आई है, जो ओलंपिक्स की इंडिया के लिए जो नई जर्सी थी वो कल लॉन्च हो गई है, ऑफिशियली लॉन्च किए हैं हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने। जी हाँ दोस्तों, ये जो टोक्यो ओलंपिक्स होने वाला है 2021 में, उसके लिए अब ऑफिशियली जर्सी लॉन्च हो चुकी है। वो जर्सी क्या है आपको स्क्रीन में दिख रही होगी, और आप देखते रहिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी जर्सी है, दिखने में बहुत ही धांसू है। अब बात करते हैं ओलंपिक्स कब शुरू होने वाले हैं। ओलंपिक शुरू होने वाले हैं 23 जुलाई 2021 में। पहले ये 2020 में होने वाले थे, लेकिन अब ये 2021 में होने वाले हैं। दोस्तों ओलंपिक्स में इंडिया का परफॉर्मेंस दिन पे दिन बहुत ही अच्छा होता जा रहा है, और उम्मीद है कि इस साल भी धांसू परफॉर्मेंस हो। दोस्तों ओलंपिक्स पहले तो 2020 में होने वाला था, लेकिन किसी रीजन की वजह से, रीजन तो खैर आपको पता ही है, उसकी वजह से अब ये 2021 में कर दिया, ठीक है, एक साल बाद रखा गया है 23 जुलाई 2021 में। और ये जापान में होने वाला है, टोक्यो जापान में, जिसको नहीं पता उसके लिए, ठीक है दोस्तों। और इसमें 42 वेन्यूज रखे गए हैं, मतलब 42 अलग अलग जगह पे ओलंपिक होगा, जहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले जाने वाले हैं। तो बात करें जाए अगर ऑडियंस की, कि ऑडियंस को अलाउ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, वो तो दोस्तों वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ के केसेस पे डिपेंड करता है कि कैसा होगा। अभी तक इस मामले में कोई भी खबर नहीं आई है कि वहाँ पे ऑडियंस को अलाउ किया जाएगा देखने के लिए या नहीं किया जाएगा। वैसे किया भी जाए और नहीं भी किया जाए, इतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा, पर इंडिया को मेडल जरूर लाने होंगे, वो भी बहुत सारे। चलिए दोस्तों यहाँ पर वीडियो खत्म करते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।